हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव दरवरे और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेफ्रिजरेटर के मेन पार्ट्स के बारे में। रेफ्रिजरेटर दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। इस तरीके के रेफ्रिजरेटर को कहते हैं डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, और ये जो दूसरा रेफ्रिजरेटर है, इस तरीके के रेफ्रिजरेटर को कहते हैं फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के मेन पार्ट्स के बारे में। ये जो बाहरी बाजू बॉडी है, इस बॉडी को कहते हैं रेफ्रिजरेटर कैबिनेट, और ये सामने जो है इसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर डोर। चलिए इस रेफ्रिजरेटर डोर के अंदर जो मेन पार्ट्स है उसको जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं रबर गास्केट। इस रबर गास्केट के अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर कैबिनेट के इस बॉडी में चिपकती है, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड चिपक जाता है और कूलिंग वहां से बाहर नहीं आता। साथ ही में यहाँ पे जो है इसे कहते हैं हम लोग एक ट्रे। यह है एक ट्रे सपोर्टर, यह स्मॉल सपोर्टर है, यह है बॉटल सपोर्टर, और ये भी है बॉटल सपोर्टर। इसके साथ साथ ये जो पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग थर्मोस्टेट स्विच, जो कूलिंग के अनुसार काम करता है, कूलिंग कम या ज्यादा करने का काम कर सकता है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं डोर स्विच। ये डोर स्विच अंदर जाने पर लाइट बंद रहेगा और बाहर आने पर लाइट शुरू होगा। चलिए कैबिनेट में जो पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग इवोपरेटर डोर, और इसे कहते हैं हम लोग इवोपरेटर। ये इवोपरेटर हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, इसलिए इसे हमें डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं हम लोग आइस ट्रे, इसके अंदर हम लोग आइस बना सकते हैं। इवोपरेटर के जस्ट नीचे जो ट्रे है उसे कहते हैं हम लोग चिलर ट्रे। इस चिलर ट्रे में यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप दिया है और यहाँ पे एक होल दिया है ताकि इवोपरेटर का पानी यहाँ से बाहर निकल जाए। यह पॉइंट हमारे ड्रेन ट्रे में निकलता है, इसे कहते हैं ड्रेन ट्रे, और ये ड्रेन ट्रे हमारा बैक साइड में कॉम्प्रेसर के पास ओपन होता है, इसे कहते हैं शेल्फ। ये दोनों हमारे ग्लास शेल्फ है, और ये जो है इसे कहते हैं हम लोग वेजिटेबल ट्रे। इसके अंदर हम लोग सब्जी रख सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे इसके साथ साथ इसमें जो बैक साइड में जो मेन पार्ट है उसके बारे में। तो अगर हम लोग पीछे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा पावर सप्लाई कॉर्ड, जहां से हम लोग मेन सप्लाई देते हैं, और इवोपरेटर से निकलने वाला सक्शन लाइन यहाँ पे दिया है। यह सक्शन लाइन हमारे कॉम्प्रेसर से जुड़ता है, ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेसर से जुड़ा है। यह है हमारा कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से जो पाइप जाता है वो जाएगा कंडेंसर में। तो इस जाली को कहते हैं कंडेंसर। यह हमारा वायर मेश टाइप कंडेंसर है। ये कंडेंसर से तैयार होने वाला लिक्विड हमारा फिल्टर ड्रायर के अंदर जाता है, इसे कहते हैं फिल्टर ड्रायर। और ये जो कॉपर ट्यूब है जो बारीक वाली चिपकी है, इसे कहते हैं हम लोग कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब से हमारा वापस रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में चला जाता है। इन मैकेनिकल पार्ट्स के साथ साथ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कहते हैं रिले। यह रिले कॉम्प्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। ये पार्ट है, इसे कहते हैं हम लोग ओएलपी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये कॉम्प्रेसर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, और ये है हमारा रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर पावर फैक्टर को बढ़ाता है। तो इन सारे पार्ट्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में काउंट करते हैं। दूसरा है, ये है हमारा ड्रेन ट्रे। जैसे कि यहाँ से ड्रेन पानी जो बाहर आ रहा है, ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट दिया है, यहाँ से जो पानी आएगा ये इस ड्रेन कलेक्शन ट्रे में जमा होगा, और ये ड्रेन कलेक्शन ट्रे हमारे कॉम्प्रेसर के ऊपर लगा होता है, जिससे कॉम्प्रेसर की भी हीट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये हमारे रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल के मेन पार्ट्स है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर किस तरीके से होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।